शहर से अतिक्रमण हटाने का काम फिर चालू हो गया है। इस बार प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर सख्ती से पेश आने वाली है। वहीं पुरानी जगह से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद जिन्होंने फिर से अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। काफी दिनों से बंद अतिक्रमण हटाने का काम एक बार फिर से चालू किया गया है। इस बार प्रशासन सभी अतिक्रमणकारियों पर सख्ती से पेश आने वाला है। जिन लोगों ने अपने दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया है उन्हें तोड़ा जाएगा। इस कार्रवाई के लिए टीम ने जगह चिन्हांकित कर लिया है और अब कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। गुरुवार को टीम ने इमलीपारा में कार्रवाई का श्री गणेश किया और सभी लोगों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण ना करें। इमलीपारा का रोड था, पुराने बस स्टैंड पहुंचने वाला, वो छूटा हुआ था, इसलिए दोबारा यहां कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी चिन्हांकित हम किए हैं जहां फिर से ठेला वेला लगा लिए हैं और अतिक्रमण कार्रवाई दोबारा कर रहे हैं, वहां फिर से हटाने कार्रवाई करेंगे। प्रशासन द्वारा पहले भी अतिक्रमण हटाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया, मगर कार्रवाई करने के बाद उस जगह को दोबारा नहीं देखा गया, जिसके बाद फिर से उस जगह अतिक्रमण कर लिया गया, जिसे हटाने टीम ने फिर से कमर कस ली है। ऐसी जगह चिन्हांकित कर लिया गया है और एक टीम और लगी है जो मॉनिटरिंग कर रही है, उनके द्वारा कुछ कुछ सूचना मिल रही है दोबारा अतिक्रमण करने की, तो उसे पुनः हटाने कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम तो किया जा रहा है, मगर जनता को भी प्रशासन के इस कार्रवाई में सहयोग देना होगा, तभी ये मुहिम सफल होगा और हमारे शहर की सड़कें चौड़ी और अच्छी लगेगी। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर।